2008 से प्रतिनिधि हम जनता का सेवा कर रहे हैं जी। और सबसे पहले तो हम अपने, पहले 33 नंबर वार्ड था, अब 31 नंबर हो गया, परिसीमन के कारण बदल गया तो फिर 31 हो गया। सबसे पहले तो हम अपने वार्ड के तमाम मतदाता को धन्यवाद देते हैं कि हमें इस लाइक सोचा और हमको एक बार, दो बार नहीं, तीसरा बार यहाँ का जनप्रतिनिधि चुन के लाया। अभी तक का भारतीय जनता पार्टी का पूरे 5 वर्ष रघुवर जी का सरकार चला और आज भी पुराने रघुवर जी का ही निर्णय लिया हुआ काम आज तक धरातल पे चल रहा है। वो आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं जी, बिल्कुल। तो वो पुराने, अभी तक नए सरकार के द्वारा कुछ ऐसा निर्णय लिया नहीं गया है, चाहे वो रातू रोड का फ्लाईओवर देखिए, वो केंद्र सरकार का योजना है, ये कांटा टोली में देख रहे होंगे फ्लाईओवर बन रहा है, ये सब केंद्र का योजना है। और जो रघुवर जी का जो अपना एक पावर था उससे सरकार चली, वो मजबूत था। आज के दिन में देखिए प्रशासन पे लोगों का पकड़ नहीं है। अभी हमने कल न्यूज में देख रहा था इरफान जी का कि बिजली विभाग का अफसर उनका बात नहीं सुन रहा है, उसको खुद जाके विधायकों के बिजली ऑफिस में जाकर खड़ा करवाना पड़ रहा है लोगों को। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की जो सरगर्मी थी वो समाप्त हो चुकी है और अब नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होते जा रही है। निर्वाचन आयोग भी जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भी दिशा निर्देश दे चुके हैं कि अब आप लोग नगर निगम चुनाव को लेकर तैयार हो जाएं। हालांकि अगर मतदाता को लेकर सूची की बात है तो इसकी तैयारी भी पूर्ण हो चुकी है, मतलब नगर निगम चुनाव को लेकर भी सरकार अब पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। तो अभी हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 31 में और यहाँ के जो पार्षद हैं अशोक यादव जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 साल के लिए समय दिया तो इन 5 सालों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली, गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, आपके कार्यकाल में कोई ऐसा काम जो आपको लगा कि जो मैं डेवलपमेंट करने के लिए चाह रहा हूँ लोगों के वजह से डिस्टर्बेंस हुआ, उन मुद्दों पे भी बातचीत होगी, आगे की क्या रणनीति है, ऐतिहासिक पे बात होगा और अगर कुछ सवाल है पॉलिटिकल होगा, अगर आप उनका भी जवाब देंगे तो मैं उनसे भी सवाल जवाब कर सकता हूँ। बहरहाल आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा अशोक जी, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 साल के लिए समय दिया था तो क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? देखिए, जनता ने 5 साल के लिए केवल नहीं, 2008 से हम इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मतलब कर रहे हैं, से है। 2008 से प्रतिनिधि हम जनता का सेवा कर रहे हैं जी। और सबसे पहले तो हम अपने, पहले 33 नंबर वार्ड था, अब 31 नंबर हो गया, परिसीमन मतलब के कारण बदल गया तो फिर 31 हो गया जी। सबसे पहले तो हम अपने वार्ड के तमाम मतदाता को धन्यवाद देते हैं कि हमें इस लाइक सोचा और हमको एक बार, दो बार नहीं, तीसरा बार यहाँ का जनप्रतिनिधि चुन के लाया जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छी बात ये कि क्या कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ, कितने सड़क, नली, गली, प्रधानमंत्री आवास योजना आपके कार्यकाल में बना जो गरीब लाभुक है उनको लाभ मिला? देखिए, सबसे पहले तो करीब 14 से 15 करोड़ रुपया का हम पूरे अपने वार्ड का ब्लैक टॉप करवाएं रोड का, वो कभी भी इतना विकास हमारे वार्ड में नहीं हुआ था। इससे 2018 से 23 के बीच में जो हम किए, जो फंडिंग जितना खर्चा किए हैं, कभी भी इतना पैसा हमारे वार्ड में खर्चा नहीं हुआ था। और एक एक गली मोहल्ला सभी का रोड हमने अभी तक बनवा चुका है जी। अच्छी बात है कि तो आवास कितना बना होगा? 250 से 350 प्रधानमंत्री आवास वार्ड नंबर 31 में अभी तक बन चुका है जी। राशन कार्ड वगैरह ऐसा? देखिए, हर घर में राशन कार्ड है, चाहे वो गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, और 10% ऐसे लोग हैं जो स्वेच्छा से नहीं बनवाए हैं जी, मतलब संपन्न आदमी, संपन्न आदमी है इसलिए नहीं बनवा पाए। अच्छा, राशन कार्ड कितना बना हुआ, शौचालय सब? नहीं, राशन कार्ड वो क्या, शौचालय? शौचालय का देखिए करीब हमको लगता है कि 250 से 300 शौचालय, 300 आवास, 1400 चौदह
1300 से 1400 के आसपास में शौचालय बना था। शौचालय बना है। अच्छा बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? तो ये कोरोना काल तो आया तो बहुत बड़ा ही महामारी आया था, उसमें हर लोग एक दूसरे से भाग रहे थे कि किस व्यक्ति में कोरोना है। हम लोगों ने जो भी ऐसा असहाय लोग दिखे, गरीब तबके लोग थे, उन लोगों को हमने घर घर जाके अनाज अपने से पहुँचाए, अपने वार्ड कार्यालय से भी लोगों का सहयोग किए। हर व्यक्ति को हमने 10 किलो अनाज अपने तरफ से दिए, उसमें प्याज था, तेल था, मसाला था, ये सब हम लोग अपने वार्ड में वितरण किए। और कुछ सामाजिक संस्था भी हमें बहुत सहयोग किए हैं। अजी बताइए कि कोरोना कितने मरीज मिले थे और कितने लोगों को मुआवजा मिला करीब करीब? देखिए मुआवजा के विषय में तो उतना हम क्लियर नहीं बता पाएंगे अभी कि कितने को मिला है, लेकिन करीब करीब तो कितने लोग मरे हैं, हताहत हुए हैं, वो तो आपको याद होगा करीब? वो लगता है 15 से 20 आदमी इस वार्ड में डेथ की है कोरोना से, हुए कोरोना काल में। अच्छा ये बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था, या यूँ कहें कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से जो डेवलपमेंट चाहिए था आपके वार्ड का वो नहीं हुआ था जो आपके कार्यकाल में हुआ, या जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ तब से कोई ऐसा कुछ काम? देखिए हमारा जन्म रांची का ही है, शुरू से हमने देखा कि आज तक, और हम अपने आप से भी बहुत संतुष्ट हैं कि इतना रोड कभी नहीं कालीकरण किया गया था। एक एक गली, एक एक मोहल्ला को हमने कहें तो 2008 से 22 तक कहीं भी, चाहे वो 3 फीट का भी गाली हो, PCC उसको हम करवा चुके हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा विकास का, उपलब्धि का विषय है। अच्छा बताइए कि आप कोई ऐसा काम करवाने के लिए जा रहे हो तो आपको डिस्टरबेंस का भी समस्या का समाधान करना पड़ा होगा। कोई ऐसा काम जो आपको लगा हो कि मैं तो चाहता हूँ समाज का डेवलपमेंट हो, विकास हो, लेकिन कुछ बाधाएँ आ गई तो उसको आपने शॉर्ट आउट तो किया लेकिन थोड़ा बहुत मशक्कत करना पड़ा, कोई ऐसा काम आपको आपके नज़र में? नहीं, ऐसा हमारे वार्ड में ऐसा नहीं है जो कि हमको बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ा। नहीं कुछ भी। एक हम तालाब को सुंदरीकरण करा रहे थे, उसमें किसी कारण कागजी विवाद हुआ, इस कारण से वो मेरे लाइफ का सबसे अच्छा चीज़ हमने प्रयास किया था कि अपने वार्ड के अंदर में एक छठ घाट हो, उसमें गरीब तबके का लोग मछली पालन करे, पर ऐसा हो नहीं पाया। वो खतियानी जमीन, रैयत जमीन किसी का निकल गया, इस कारण से वो काम बंद हो गया। जी, तो बहुत समस्या आपके जीवन में आई मतलब जब आपके कार्यकाल में थे। अपने वार्ड का सबसे अच्छा चीज़ को हमने बेहतर बनाने का प्रयास किया था, वो नहीं बना पाए। जी बताइए आगे क्या सोचते हैं कि अगर आपको जनता दोबारा से मौका देती है, मतलब चौथी बार मौका देती है, तो क्या आप मेयर के लिए फाइट कर सकते हैं? देखिए वो तो पार्टी के स्तर से मेयर का चुनाव होता है और हम लोग एज ए निर्दलीय लड़ते हैं, पार्षद का इलेक्शन होता है, वो तो पार्षद के लिए लड़ते हैं। तो इस बार क्या, चूंकि आप लगातार, देखिए इस बार जो अभी तक पता है कि डिप्टी मेयर का इलेक्शन जो होगा वो पार्षद के द्वारा होगा, पार्षद के द्वारा होगा। हाँ, पिछले बार जो हुआ था वो पार्षद अलग था, उप महापौर और महापौर का इलेक्शन पार्टी सिंबल पे हुआ था। इस बार ऐसा नहीं है। अच्छा। ऐसा है कि जो पार्षद जीत के आएगा उन्हीं में से उप महापौर के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो यानी आपका मन कहीं ना कहीं उप पौर के लोग करके है कि आप इसके लिए फाइट कर सकते हैं? देखिए अभी तक तो ऐसा, कहीं हम राजनीति करते हैं तो सभी लोग ऊँचा अपना सोच रखते हैं, पर ऐसा अभी तक हम तो सोचे नहीं हैं। अभी तो पार्षद का इलेक्शन लड़ना है, उसके बाद जीतेंगे, उसके बाद आगे का सोचा जाएगा। देखिए चूंकि आप पे जनता लगातार भरोसा कर रही है, 3 टर्म से आप पे भरोसा की, तो चौथे बार के लिए आप फाइट करेंगे तो निश्चित रूप से आप चाहेंगे कि जो आप पार्षद के रूप में डेवलपमेंट किए, विकास का काम किए, जो अपने क्षेत्र में विकास का काम किए हैं, तो चाहेंगे कि जनता तो ये भी चाहेगा ना कि पूरे ज़िले में, मतलब पूरे ज़िले में जो नगर निगम क्षेत्र है उसमें आपको जनता मौका दे और उस पूरे ज़िले में नगर निगम का जो क्षेत्र आता है उसमें डेवलपमेंट करें। तो आप तो क्या, आप तो चाहते हैं ना कि मैं फाइट करूं?
देखिए राजनीतिक में आने के बाद हर कोई चाहता है कि, और हमारे वार्ड के अभिभावक लोग भी चाहते होंगे कि हो सकता कि हम आगे बढ़ें जी। पर ये तो हमारे वार्ड का जितने भी मतदाता हैं उनका प्यार सेने से ही हम जीत के आते हैं जी। फिर आगे भी उन्हीं लोग का प्यार सेने से हम जीतेंगे, उसके बाद आगे का अपना निर्णय लेंगे। अच्छा, मतलब जनता का जो निर्णय होगा उसको सर्वमान्य वो सर्वोपरि होता है, उसके बाद ही कोई निर्णय ले पाएंगे कि उपपौर के लिए या महापौर के लिए आप फाइट करेंगे। देखिए एक तो रिजर्व सीट है हाँ। मेयर के लिए हाँ। और उप महापौर के लिए अभी तक देखिए क्लियर नहीं हुआ है, पर हमको लगता है अभी तक कि पार्षद के द्वारा ही चुन के फिर आना पड़ेगा। अच्छा, पॉलिटिकल एक खबर सवाल है कि जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ तब से बेहतर आपके नज़र में कौन है मुख्यमंत्री, आप किसे मानते हैं व्यक्तिगत रूप से, अभी पॉलिटिकल नहीं मैं कर रहा हूँ, जो लगा होगा कि हाँ इनका कार्यकाल जो है जो डेवलपमेंट चाहिए था इस राज्य के लिए उनके राज्य में ये काम हुआ। देखिए अभी तक का भारतीय जनता पार्टी का पूरे 5 वर्ष रघुवर जी का सरकार चला और आज भी पुराने रघुवर जी का ही निर्णय लिया हुआ काम आज तक धरातल पे चल रहा है, वो आप भी देख रहे होंगे हम भी देख रहे हैं जी, बिल्कुल। तो वो पुराने अभी तक नए सरकार के द्वारा कुछ ऐसा निर्णय लिया नहीं गया है, चाहे वो रातू रोड का फ्लाईओवर देखिए, वो केंद्र सरकार का योजना है, ये कांटा टोली में देख रहे होंगे फ्लाईओवर बन रहा है, ये सब केंद्र का योजना है। और जो रघुवर जी का जो अपना एक पावर था उससे सरकार चली वो मजबूत था, आज के दिन में देखिए प्रशासन पे लोगों का पकड़ नहीं है। अभी हमने कल न्यूज में देख रहा था इरफान जी का कि बिजली विभाग का अफसर उनका बात नहीं सुन रहा है, उसको खुद जाके विधायकों के बिजली ऑफिस में जाकर खड़ा करवाना पड़ रहा है लोगों को। तो कहीं ना कहीं इस राज्य में अफसरशाही हावी है। हावी है। और अभी तक देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार मजबूत की सरकार नहीं है, मजबूर की सरकार है। और एक एक लोग भी बोल रहे होंगे कि क्या स्थिति है सरकार का जी। तो इस मेरे केवल कहने का बात नहीं, यहाँ के एक एक जनता को मालूम है कि किस पार्टी ने कितने अच्छे से सरकार चलाया जी। जब भी यहाँ सरकार चली है तो भारतीय जनता पार्टी का ही अच्छा से मजबूत सरकार चली है, और भारतीय जनता पार्टी के ही शासन में जो काम चला वो भी आज धरातल पे दिख रहे होंगे आपको। यानी आपका कहने मतलब है कि जब जब भाजपा की सरकार बनी तब तब इस राज्य में डेवलपमेंट का काम हुआ निश्चित ही जी। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी और जनता अभी 3 साल में ही देख चुकी है कि क्या स्थिति है झारखंड का, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है कि लास्ट में जनता समझती है कि भारतीय जनता पार्टी ही झारखंड का विकास कर पाएगी, ये दूसरा पार्टी नहीं कर पाएगी। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं अशोक यादव जी हैं, इनका कहना है कि अगर पॉलिटिकल बात कहें तो भाजपा के कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो वर्तमान सरकार या जब जब भी मतलब हेमंत सरकार रही या शिबू सोरेन की सरकार रही, जो डेवलपमेंट चाहिए था उतना नहीं हुआ है जो भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। और इनके अलावा ये भी है कहना है कि अगर जनता हमें मौका देती है तो चौथे बार के लिए तो मैं जीतूंगा ही, लेकिन उप महापौर के लिए भी मैं फाइट कर सकता हूँ। ये निर्वाचन आयोग माफ कीजिएगा, ये जो है पार्षद का निर्णय होगा उसके लिए भी फाइट कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा, क्योंकि जनता इनको बार बार लगातार यानी 3 टर्म से इनको मौका दिया है, तो चौथे बार के लिए पार्षद के रूप में फाइट करेंगे ही, लेकिन उप महापौर के लिए भी कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने इशारों में इशारा कर दिया है कि हम उप महापौर के लिए भी फाइट कर सकते हैं। तो बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाए ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।